जर्जी फाइनल में मुंबई के लिए 134 रन बनाए, मूसेवाला के सिग्नेचर स्टेप से जश्न मनाया। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान जर्जी ट्रॉफी में कमाल की फॉर्म में है। मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने इस सीजन का चौथा शतक जड़ा। सेंचुरी लगाने के बाद सरफराज काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे। साथ ही उन्होंने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैच में सरफराज के बल्ले से 243 गेंद में 134 रन निकले। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। मुंबई की पारी 374 रन पर खत्म हुई। मुंबई के लिए सरफराज के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 78 और पृथ्वी शॉ ने 47 रनों का योगदान दिया। रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में सरफराज ने 9 पारियों में 928 रन बनाए थे। वहीं इस सीजन 133.85 की औसत से 937 रन बना चुके हैं। कम से कम 2000 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका औसत 82 है। उनके आगे सिर्फ डॉन ब्रेडमैन है। फाइनल से पहले सरफराज खान के बल्ले से 275, 63, 48, 165, 153, 40, 59 नाबाद रन के स्कोर निकले थे। गुरुवार को मुंबई ने अपनी पारी को 248 पर 5 से आगे बढ़ाया और स्कोर में 126 रन और जोड़े, 5 विकेट भी गवाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।